क्या आप मुमरा में प्रॉपर्टी देख रहे हो? तो मैं आपको यहाँ मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK चाहे शॉप ले सकते हो। फिलहाल हमारा जो लोकेशन है वो शील थाना की तरफ है। यहाँ से आपको कटाईनगर का एरोली ब्रिज हो गया, या आपको मेट्रो स्टेशन हो गया, या आपका बुलेट ट्रेन स्टेशन हो गया, सारी चीज़ें आपको वॉकिंग डिस्टेंस से मिल जाएगी। स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज और आपके एमिनिटीज के लिए स्विमिंग पूल तक यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे ऑफर डिस्काउंट बहुत अच्छे चल रहे, 10% डाउन पेमेंट एंड 90% आपको लोन तक फैसिलिटी अवेलेबल है। तो ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल करें और अगर कॉल बिजी आए तो व्हाट्सएप करें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। इस समय मौजूद है मुमरा के दारुल फलाह मस्जिद के पास में और आपको बता दें कि आज 8 मार्च है और आज इंटरनेशनल वुमेंस डे है और SDPI पार्टी की महिला विंग जो वुमेंस इंडिया मूवमेंट है उनके तरफ से यहां पर महिला दिवस मनाया जा रहा है। ख़ास तौर पर महिलाओं की अगर बात हम करें तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये तस्वीर हर किसी के जहन में है क्योंकि ये जिस तरह से महिला पर अत्याचार हुआ था उसके बाद दोषियों को जो है छोड़ दिया गया था, उन्हें संस्कारी बताया जा रहा था, इसी तरह का एक ये और पोस्टर देखेंगे, बैनर जो झारखंड का है। हाल ही में ये घटना सामने आई थी जिसके वजह से पूरे भारतवासियों को शर्मिंदा होना पड़ा था। यहाँ पर कुछ महिलाएं, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? क्षमा परवीन। और आज महिला दिवस है, ख़ास तौर पर महिलाओं का दिन है, लेकिन जो हालात है जिस तरह से महिलाओं के साथ हो रही बर्बरता एक के बाद एक सामने जो आती है उसको लेकर आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, ये हमारे गवर्नमेंट का फेलियर है कि आज दुनिया इतनी तरक्की कर गई है उसके बावजूद हमारे मुल्क में ये हालात हैं कि औरतों की इज्जतें महफूज नहीं हैं। इसमें फेलियर हमारे गवर्नमेंट का है। जब कुछ ऐसे वारदात होते हैं उस पर फौरी तौर पे अगर एक्शन लिया जाएगा, कोई कैपिटल पनिशमेंट दी जाएगी, उसके बाद ही लोगों की मेंटालिटी को चेंज किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा आज़ादी मिलने की वजह से लोगों की ये मेंटालिटी है, उन्हें लगता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। सख्त से सख्त सज़ा देने की ज़रूरत है। ख़ासतौर पर लड़कियों को, महिलाओं को जागरूक करने के दिशा में जो है आपकी जो महिला विंग है ये किस तरह से काम करती है? हम हर लेवल पे काम करते हैं। 16 स्टेट्स में वुमेन इंडिया मूवमेंट इस वक्त काम कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। हम वार्ड लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे कमिटीज़ बनाते हैं, काउंसिल्स बनाते हैं, उसमें हम कुछ मेंबर्स को रखते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, ये सारे मेंबर्स होते हैं कमिटी के, और भी मेंबर्स इसमें होते हैं, और फिर वो अपना अपना एरिया लेकर काम करते हैं। हम कैंपेन्स करते हैं, ऑर्गेनाइज़ करते हैं और फीमेल्स को जो है ज्वाइन करते हैं अपने टीम में। हाल ही में जो ये घटना आई, आप जो ये यहाँ पर बैनर भी लगाया आपने, ये झारखंड की जो घटना आई, इस तरह की जो घटनाएं हो रही, कहीं ना कहीं जो बाहर से, विदेश से लोग आते हैं हिंदुस्तान को एक अच्छी नज़र से देखते हैं, लेकिन कुछ चंद लोगों की वजह से हिंदुस्तान का नाम जो है ख़राब होता है। हालांकि आरोपी तो गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन ऐसे मानसिकता वाले लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो रेपिस्ट होते हैं इनकी मेंटालिटी क्या होती है, इस पे अलग से टीम बनानी चाहिए कि जो लोग इन रेपिस्ट की मेंटालिटी को स्टडी कर सके कि ये किस बैकग्राउंड के होते हैं, इनकी क्या मेंटालिटी होती है जो ये इस तरह की हरकतें करते हैं। और हमारी सरकार का, गवर्नमेंट का सबसे बड़ा फेलियर है, वो बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा तो देते हैं मगर उन्होंने ऐसा कोई भी इकदाम नहीं किया है कि बेटी को बचाया जा सके। शायद ये रेस्लरों की तस्वीर है जो आंदोलन हुआ था उनका। ये जब हम इस तरह की चीज़ें देखते हैं, यानी जो रेस्लर्स हैं जो हमारे देश को इंटरनेशनल लेवल तक ले गए, जिन्होंने ग्लोरी और ऑनर लाया हमारे कंट्री के लिए, उन लोगों के साथ, यानी उनके साथ जब छेड़खानी हुई, उन्होंने जो केस किया, तो आरोपी को बजाय गिरफ्तार करने के या बजाय उनके खिलाफ जो है कार्रवाई करने के, उनकी कुर्सी इन्होंने नहीं ली, MP साहब बरकरार रहे, मगर रेसलर्स ने कितनी जो है महीनों तक इन्होंने जिद्दोजहद की मगर फिर भी इन्हें इंसाफ नहीं मिला। ये ज़मीन पर बैठी और पुलिस ने भी किस तरह इनको ज़मीन पर घसीटा, तो ये जब आप देखते हैं तो ये कौन सी इज्जत जो है सरकार हमारी बेटियों को, हमारे महिलाओं को दे रही है? हमारा वोट हमारी ताकत, क्या कहेंगे? जागरूक होना ज़रूरी है आज के वक्त। जी बिल्कुल, आज में हमको जागरूक होना ज़रूरी है क्योंकि वोट जो ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है, ये हमारा पावर बैंक, हमारा वोट, एक वोट हमारा बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है क्योंकि हम एक वोट से हम इस देश को सही चलाने का, जो महिला स्पेशली हम महिला की हैं यहाँ पे, हम तो महिलाओं की बात करेंगे, तो हम जो अपना एक पार्लियामेंट में हम अपनी जगह जो 15% से हम लोग इंक्रीज़ कर सकते हैं,
ये हम अपना पावर बैंक के ज़रिए ही कर सकते हैं। और जो आने वाला इलेक्शन है इसमें हम अपना वोट जो है बहुत सोच समझ के और बहुत अपनी वोट की अहमियत को जानकर हम अपना वोट दें। तो आपने सुना कि आज महिला दिवस है और महिला दिवस के मौके पर मुमरा के दारुल फला मस्जिद के पास तमाम महिलाएं हैं जो वुमेंस इंडिया मूवमेंट के तरफ से यहां पर इकट्ठा हुई हैं और कहीं ना कहीं इनका मकसद यही है कि महिलाओं की ताकत जो है वो सामने आनी चाहिए और महिलाओं का रिस्पेक्ट होना चाहिए।